नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आपको हमारे ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। और एक बार फिर मैं डॉक्टर सुनील शर्मा इस नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। बच्चों, हमारे लास्ट का जो वीडियो चल रहा था वो जनसंख्या से संबंधित जो अध्याय है हमारा उसके संदर्भ में चल रहा था और हमने जनसंख्या का जो विस्तृत प्रतिरूप देखने को मिलता है उसकी चर्चा हमारे लास्ट वीडियो में की थी। आज का ये जो हमारा वीडियो है ये जनसंख्या वृद्धि से संबंधित है। अब जनसंख्या वृद्धि होती क्या है, कैसे होती है, क्यों होती है, इसके मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, सकारात्मक प्रभाव हैं तो कौन से हैं, नकारात्मक हैं तो कौन से हैं, क्या इसकी स्थिति हमारे लिए लाभदायक होती है अथवा हानिकारक होती है, और साथ साथ में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने वाले जो कारण हैं, इन सभी बिंदुओं की हम चर्चा इस वीडियो के दौरान करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं कि जनसंख्या वृद्धि का अर्थ क्या होता है। देखिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि का क्या अर्थ है या जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य होता है। तो आपको ध्यान से इसको सुनना है और ध्यान से ही इसको लिखना है यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो। ठीक है, तो देखिए, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो कोई राजनीतिक क्षेत्र हो या फिर कोई भौगोलिक क्षेत्र हो, उसमें जो लोग पाए जाते हैं, जो मानव रहता है, उसको तो हम किसके नाम जानते, जनसंख्या के नाम। किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या को ही क्या कहा जाता है, जनसंख्या कहा जाता है। तो फिर वृद्धि शब्द का मतलब क्या होता है। देखो, वृद्धि का मतलब सामान्य रूप से होता है बढ़ना। अब बढ़ने का मतलब कि जिसकी किसी भी दशा की कोई मूल स्थिति थी उसकी तुलना में उसमें जो बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है वो क्या कहलाती है, वृद्धि कहलाती है। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे वृद्धि शब्द का ऐसा तात्पर्य नहीं, यहाँ वृद्धि शब्द का तात्पर्य जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन से। कोई भी क्षेत्र होगा उसमें जनसंख्या निश्चित नहीं होगी, उसमें परिवर्तन अवश्य होता है। अब देखिए, अलग अलग देशों में अलग अलग पैरामीटर, लेकिन हमारे भारत के अंदर जो जनसंख्या है उसकी गणना हर 10 वर्ष के दौरान की जाती है, दशकीय जनसंख्या। और विश्व के अधिकांश देशों में जो जनगणना की जाती है प्रत्येक 10 साल बाद में की जाती है। तो पिछले जो 10 साल थे उसकी तुलना में वर्तमान में क्या स्थिति हमारे सामने निकल कर आई है और पूर्व की जनसंख्या और वर्तमान की जनसंख्या में क्या अंतर की स्थिति हमें देखने को मिलती है, इसी का आकलन करने के लिए बच्चों जनसंख्या वृद्धि काम में आती है। तो मैं कह रहा था कि जनसंख्या परिवर्तनशील है। आपने देखा कि हमारे भारत में 2001 में जब जनगणना की गई तो भारत की जनसंख्या लगभग 102 करोड़, ये मैं आपको राउंड फिगर में बता रहा हूँ, ध्यान रखना। भारत की जनसंख्या लगभग कितनी थी, 102 करोड़, कब, 2001 के आंकड़ों के अनुसार, ठीक है ना। और 2011 के आंकड़े जो हमारे सामने रिलीज थे तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या होगी लगभग 121 करोड़। कितनी होगी, लगभग 121 करोड़। ये जो पॉइंट था 102 करोड़ करोड़, ठीक है, लमसम जो मैंने बताया था 2001 के आंकड़ों में तो भारत की जनसंख्या लगभग 102.7 करोड़ थी, लेकिन 2011 तक आते आते भारतीय जनसंख्या लगभग कहां पहुंच गई, 121 करोड़ पर पहुंच गई। अब इन दोनों आंकड़ों को देखने से आपके सामने क्या स्थिति निकल कर आती है कि भारत की जनसंख्या पिछले दशक की तुलना में बढ़ी है या घटी है। तो देखिए, ये जो आप में देख रहे हैं आप, इनसे निश्चित रूप से चीज हमारे सामने निकल कर आ रही है कि 2001 की तुलना में 2011 के आंकड़ों में जनसंख्या में बढ़ोतरी की स्थिति देखने को मिल रही है। तो जनसंख्या का स्वरूप बदला है, 102.7 करोड़ से बढ़कर जनसंख्या कितनी होगी, 121 करोड़ होगी, ठीक है ना।
लेकिन कभी कभार कुछ देशों में ऐसा भी हो सकता है, जैसे माने जापान जो था उसकी जनसंख्या 2001 में लगभग 12 करोड़ की लगभग थी, जापान की जनसंख्या 2001 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 12 करोड़ थी, लेकिन जब 2011 के आंकड़े रिलीज हुए तो जापान की जनसंख्या लगभग 11.7 करोड़ हो गई। अब यहां पर आपके लिए स्थिति विपरीत नजर आ रही है। एक स्थिति तो ये थी और इसके जस्ट अपोजिट स्थिति कौन सी होगी, ये होगी। यानी जनसंख्या में बढ़ना ही जनसंख्या वृद्धि नहीं होता, जनसंख्या में जो घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है वो भी जनसंख्या वृद्धि के रूप में ही जानी जाती है। तो सामान्य शब्दों में आप ऐसा कह सकते हैं बच्चों कि किसी क्षेत्र में जो जनसंख्या निवास करती है उस जनसंख्या में निश्चित समय अवधि के दौरान जो परिवर्तन की प्रक्रिया पाई जाती है उसे ही किसके नाम से जानते हैं, जनसंख्या वृद्धि के नाम से जाना जाता है। या फिर हम ऐसा कहें किसी क्षेत्र विशेष में समय विशेष के अंदर जनसंख्या में होने वाले बदलाव को जनसंख्या वृद्धि के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ जनसंख्या में बदलाव ही तो हो रहा है ना, 102 करोड़ लगभग 102 करोड़ से बढ़कर कितनी होगी, 181 करोड़, 121 करोड़। तो बदलाव हुआ या नहीं हुआ, हुआ तो बदलाव क्या हुआ, जनसंख्या बढ़ी, यानी कि धनात्मक स्वरूप हमारे सामने निकल कर आ गया। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये भारत की डाटा है और नीचे जो आप देख रहे हैं ये जापान की डाटा है। अब स्थिति जापान की अलग है, 2001 में तो 12 करोड़ थी और 2011 में आते आते 11.7 करोड़ हुई, यानी पहले की जो जनसंख्या थी उसकी तुलना में कुछ कमी आई है। जनसंख्या बढ़ी नहीं है, जनसंख्या घटी है। तो जनसंख्या में जो परिवर्तन हुआ कौन सा हुआ, ऋणात्मक, कौन सा हो गया, ऋणात्मक। तो एक और परिभाषा हमारी निकल कर आ गई, क्या निकल कर आ गई, किसी क्षेत्र विशेष में समय विशेष के दौरान जनसंख्या में होने वाली बढ़ोतरी और घटोतरी का जो स्वरूप पाया जाता है उसे ही जनसंख्या वृद्धि के नाम से जाना जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर, जनसंख्या वृद्धि किसे कहेंगे, किसी क्षेत्र विशेष के अंदर निश्चित समय अवधि के दौरान जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, जनसंख्या वृद्धि कहलाएगी। क्लियर। अब जनसंख्या वृद्धि का स्वरूप कितने प्रकार का होता है, तो आपके सामने कितने प्रकार का होने वाला जनसंख्या वृद्धि का स्वरूप, जनसंख्या वृद्धि का स्वरूप मुख्य रूप से दो प्रकार का हो सकता है, एक धनात्मक जनसंख्या वृद्धि के रूप में, दूसरा ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि के रूप में। जनसंख्या वृद्धि की जो प्रक्रिया है, जनसंख्या परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो दो रूपों में हमें देखने को मिल सकती है, धनात्मक रूप भी हो सकता है यदि बढ़ोतरी हो रही है तो, और ऋणात्मक रूप भी हो सकता है यदि मान लीजिए आंकड़ों में जनसंख्या में क्या हो रही है, घटोतरी हो रही है। तो ये तो किसका अर्थ हो गया, जनसंख्या वृद्धि का अर्थ हो गया। चलिए हम आगे चलते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि का स्वरूप कितना, दो प्रकार का, धनात्मक और ऋणात्मक। अब जनसंख्या वृद्धि हुई है कि आपको निकालने के लिए देखो क्या होता है, किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या में जो परिवर्तन की प्रक्रिया होती है उसको निरपेक्ष वृद्धि के नाम से जाना जाता है। किसके नाम जाना जाता है, निरपेक्ष वृद्धि के नाम से जाना जाता है। तो निरपेक्ष वृद्धि क्या होने वाली है, यदि आपको किसी क्षेत्र की निरपेक्ष वृद्धि निकालनी है तो हम क्या करें। तो सबसे पहले तो ये मानो कि निरपेक्ष वृद्धि की जो प्रक्रिया होती है वो होती क्या है, तो क्या होती है, जब हम वर्तमान जनसंख्या के आंकड़ों में से पिछले दशक के आंकड़ों को घटा देते हैं और घटाने के बाद जो पिछले दशक के आंकड़ों की आधारभूत जनसंख्या थी उसका भाग देकर 100 से यदि गुणा कर दिया जाए तो वहां पर जनसंख्या का जो निरपेक्ष वृद्धि हुई है उसका प्रतिशत भी ज्ञात किया जाता है। तो एक तो क्या होता है, निरपेक्ष जो वृद्धि हुई है उस निरपेक्ष वृद्धि को ज्ञात करने की प्रक्रिया, और दूसरा होता है निरपेक्ष वृद्धि के प्रतिशत को ज्ञात करने की प्रक्रिया। तो कैसे हम ज्ञात करें, तो देखिए यदि आपको निरपेक्ष वृद्धि ही निकालनी है तो क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, वर्तमान की जनसंख्या, वर्तमान
की जनसंख्या, यानी वर्तमान समय में कितनी जनसंख्या है। अब वर्तमान का मतलब किससे हो सकता है, हो सकता है 2011 के आंकड़े वाले, हो सकता है 2001 के आंकड़े, जो भी आप माने, जिसे भी आप आधार वर्ष मानना चाहें उसके आधार पर, ठीक है। तो वर्तमान की जनसंख्या और उससे आपको क्या करना है, माइनस करना है। माइनस कौन सा, पिछली जनगणना जब हुई थी इससे पहले की जो जनगणना हुई थी उस वक्त कौन सी जनसंख्या थी, तो वो इसके साथ हो जाएगी, तो पिछली जनसंख्या माइनस पिछली जनसंख्या। अब ध्यान दीजिए बच्चों, ये पिछली जनसंख्या का जो संबंध होता है वो मुख्यतः पिछले दशक से होता है, जहाँ पर दशकीय जनसंख्या वृद्धि निकाली जाती है उसका संबंध किससे होता है, पिछले दशक से होता है। तो जैसे मैं मान के चलूँ वर्तमान की जनसंख्या, वर्तमान का मतलब तो लास्ट हमारी जनगणना का जो वर्ष रहा कौन सा रहा, 2011, और 2011 से पहले जनगणना का जो वर्ष रहा था वो कौन सा रहा था, 2001 रहा। तो प्रश्न क्या निकल के आ गया, 2011 की जनगणना में से यदि हम 2001 की जनगणना को घटा दें तो ऐसी स्थिति में हमारे सामने जो अंतर निकल के आएगा वो निरपेक्ष वृद्धि के रूप में जाना जाएगा। किसके रूप में जाना जाएगा, निरपेक्ष वृद्धि के रूप में जाना जाएगा। तो देखिए 2001 की 2011 की लगभग 121 करोड़, कितनी थी, लगभग 121 करोड़, और 30 करोड़ में से यदि हम कितना घटा दें, लगभग 102.7 करोड़ घटा दें, तो ऐसी स्थिति में जो जनसंख्या वृद्धि होने वाली है, जनसंख्या जो परिवर्तन होने वाला है वो लगभग 18.3 करोड़ होगा, यानी भारतीय जनसंख्या में एक दशक के दौरान, 10 सालों के दौरान जनसंख्या में जो परिवर्तन की प्रक्रिया हुई है, जनसंख्या में जो बदलाव की प्रक्रिया हुई है वो लगभग 18 करोड़ के समथिंग, आप तो ये मान चलिए राउंड ऑफ फिगर में लगभग 18 करोड़ के लगभग, ठीक है ना, लमसम डाटा जो आप मान के चलेंगे लगभग 18 करोड़ के समथिंग। तो ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है ये किसमें शामिल की जाएगी, जनसंख्या वृद्धि की प्रक्रिया के रूप में शामिल की जाए। हम मान लीजिए लगभग, मैंने राउंड ऑफ फिगर कर दिया, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, 121 करोड़ में से यदि आप 102 करोड़ घटाते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपके सामने 19 करोड़ का अंतर आ जाएगा, 19 करोड़ का अंतर। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर कितना लिखा था, 60 लिखा था पहले भी, और इसके साथ यहाँ पर कितना था, 4.7 करोड़। तो यदि आप फुल डाटा लेते हैं तो लगभग 18.3 करोड़। तो ये चीज है, हमको क्या करना है, वर्तमान की जनसंख्या में से पिछली जनसंख्या की जो स्थिति थी उसको घटाना है, ठीक है, और उसके बाद जो भी परिवर्तन आएगा वो निरपेक्ष वृद्धि के रूप में जाना जाएगा, निरपेक्ष। तो यहाँ वृद्धि कितनी हुई, लगभग 18 करोड़ की, लमसम फिगर में हमने क्या मान लिया कि वृद्धि हुई लगभग कितनी, 18 करोड़ की जनसंख्या वृद्धि हमारे सामने हो गई। आपको एग्जाम में एक उदाहरण दिया जा सकता है कि निम्नलिखित आंकड़ों का प्रयोग करते हुए जनसंख्या वृद्धि निकालिए, और आपको दो एक दशक के आंकड़े, वर्तमान दशक के आंकड़े दे देगा और उससे पिछले वाले दशक के आंकड़े, उनको ऐसे फॉर्मूले में सेट करके आपको जनसंख्या वृद्धि निकालनी है। दूसरा देखिए बच्चों, एक तो होता है निरपेक्ष वृद्धि और दूसरा होता है निरपेक्ष प्रतिशत। जो वृद्धि हमने निकाली है उस निरपेक्ष वृद्धि का यदि हम प्रतिशत भी ज्ञात करें, निरपेक्ष वृद्धि का यदि प्रतिशत भी हमारे द्वारा ज्ञात किया जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होने वाला है, हमको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमको जो सकल वृद्धि हुई थी कितनी हुई थी, लगभग 18.3 करोड़ वृद्धि हुई थी, उस 18.3 करोड़ को आपको किससे गुणा करना है, कौन से गुणा करना है, और भाग किसका देना है, जो आधार वर्ष था पिछला आधार वर्ष, 2011 वाला नहीं, 2001 वाला जो आधार वर्ष था उसकी जनसंख्या से भाग देना है, तो लगभग 102.7 करोड़। तो जब हम या तो इसको गुणा कर लें, गुणा करने के बाद में आधा पिछले आधार वर्ष की जनसंख्या का भाग दे दें, तो ऐसी कंडीशन में जो जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत आने वाला है वो लगभग 17.8% के समथिंग आएगा। यानी पिछले 10 वर्षों के दौरान जनसंख्या कितना प्रतिशत बढ़ी है, तो 17.8% जनसंख्या बढ़ गई, कितने के दौरान, सिर्फ 10 साल के दौरान।
अब मान लीजिए हमारे भाव की स्थिति ऐसी ही चलती रहती है, कल्पना की जा रही है, तो लगभग आप ये मान के चलिए कि आगामी जो भी हम ये माने कि 45 से 50 वर्ष आने वाले हैं उनमें हमारे भारत की जनसंख्या दुगनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। तो ये तो कौन सा निकला? 10 वर्ष का अंतराल। कौन सा निकला? 10 वर्ष का अंतराल। लेकिन वृद्धि को वार्षिक रूप से भी नापा जाता है। एक वर्ष में जनसंख्या कितनी बढ़ी थी? तो ये तो कितनी बढ़ी थी? 10 वर्ष के दौरान। और यदि मान लीजिए आपको वार्षिक वृद्धि के स्थान पर दशकीय जो वृद्धि थी, इस दशकीय वृद्धि के स्थान पर वार्षिक वृद्धि निकालनी हो, जनसंख्या में जो वार्षिक वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, तो यदि आपको वार्षिक वृद्धि का प्रतिशत निकालना हो तो ऐसे करने से क्या करना है, जो पूरा जो जनसंख्या वृद्धि हुई थी उसमें 10 का भाग दो, जितना भी प्रतिशत आया था उसमें 10 का भाग दे दो। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पे डाटा आएगा 1.78%, एक वर्ष के दौरान जनसंख्या में जो वृद्धि का प्रतिशत आया वो लगभग कितना आ गया? 1.78% आ गया। तो इस प्रकार से बच्चों जनसंख्या वृद्धि को निकाला जा सकता है, निरपेक्ष जो वृद्धि होती है उससे ज्ञात किया जा सकता है, निरपेक्ष वृद्धि का जो प्रतिशत होता है, दस की प्रतिशत जो होता है उसको ज्ञात किया जा सकता है, और यदि वार्षिक निरपेक्ष वृद्धि के वार्षिक प्रतिशत को ज्ञात करने की कोशिश करें तो इस सूत्र का प्रयोग करके वार्षिक प्रतिशत को भी ज्ञात किया जा सकता है। तो ये जो टॉपिक है ये किससे संबंधित है? जनसंख्या वृद्धि से संबंधित है, और जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ में विभिन्न प्रकार के सूत्रों के द्वारा निरपेक्ष वृद्धि निकालना और निरपेक्ष वृद्धि का जो प्रतिशत निकालने की जो प्रक्रिया है वो भी इसी में समाहित होती है। तो ध्यान देना, आपको एक प्रश्न पूछा जा सकता है, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, या फिर जनसंख्या की निरपेक्ष वृद्धि से क्या तात्पर्य होता है, या फिर निरपेक्ष वृद्धि कैसे निकाली जाती है, या फिर वार्षिक निरपेक्ष वृद्धि कैसे ज्ञात की जाती है, कैसे भी घुमा फिरा कर प्रश्न आपसे पुटअप किया जा सकता है। ठीक है, चलिए हम अब जनसंख्या में जो वृद्धि होने की जो प्रक्रिया होती है ये सभी क्षेत्रों में समान नहीं होती, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की होती है। तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि जनसंख्या वृद्धि की प्रक्रिया के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार होते हैं। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।